आज के दिन 1893 में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस का जन्म हुआ था। उन्हें दूसरी पंचवर्षीय योजना के अपने मसौदे के कारण जाना जाता है। प्रोफेसर महालनोबिस चाहते थे कि सांख्यिकी का उपयोग देश हित में भी हो। यही वजह है कि उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। आज ही के दिन 1960 में बीबीसी के अध्यक्ष जेराल्ड बीडल ने घोषणा की थी कि संस्था का नया टेलीविजन केंद्र टेलीविजन जगत की दुनिया का हॉलीवुड होगा। बीडल का कहना था कि 1.2 करोड़ पाउंड की लागत से तैयार किया गया टीवी सेंटर ब्रिताली व्यापार और गौरव के लिए बेहद अहम होगा। आज ही के दिन 1961 में भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी राजनीतिज्ञ और प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह का निधन हुआ था। जाट सिख परिवार से आने वाले बलदेव सिंह ने अपनी शिक्षा अंबाला में पूरी की और फिर 1930 में राजनीति में कदम रखा। आज ही के दिन 1974 में इसाबेल मार्टिनेज दी पेरोन ने अर्जेंटीना की अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। 43 वर्ष की पेरोन अपने देश के इतिहास में सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति थी। माना जाता है कि फौज और कर्मचारी संगठन जैसे शक्तिशाली गुटों ने मारिया का समर्थन किया था। आज ही के दिन 2007 में आईफोन के नाम से जाना जाने वाला एप्पल का पहला स्मार्टफोन बाजार में आया था। कंपनी ने एप्पल के आईफोन में दूसरे स्मार्टफोनों के मुकाबले कुछ अलग और उच्च तकनीक प्रोग्राम डाले जिन्होंने उसे बाजार में खास जगह दिलाई। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।